दोस्तों साथियों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा ही दुख का क्षण है, विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही दुख का क्षण है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा एवं अपने कर्तव्य से अडिग रह जाना यह किसी एजुकेशन चैनल की बात नहीं। एजुकेशन चैनल अपने कर्तव्य का पालन करेगा, पेपर आउट हो या पेपर लीक हो जाए, लेकिन पेपर पर विश्लेषण बड़ा ही आवश्यक क्षण है जो कि हर एक विद्यार्थी को करना चाहिए। पेपर के हर एक पहलू का विश्लेषण, क्वेश्चन पेपर के हर एक पहलू का विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आधार एक नींव प्रदान करेगा आगामी 67वीं BPSC PT पुनर्परीक्षा में। जैसा कि मुझे बहुत ही खेद है, बड़ा ही दुख का क्षण मैं प्रतीत कर रहा हूँ अपने प्यारे विद्यार्थियों के, क्योंकि मैंने क्वेश्चनरीज और काफ़ी मेहनत मैंने BPSC PT के लिए विद्यार्थियों के लिए की थी। मैंने काफ़ी फ्री एजुकेशनल वीडियोज़ BPSC PT के लिए दिए। मैं अभी भी BPSC PT के एक छात्र द्वारा मुझे एक पेपर सेंड किया गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है। मैंने इसको 3 पार्ट में आपके समक्ष रखने की संकल्पना की है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक एक दिन डिस्कस करेंगे और देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार स्पेशल लगभग 33 प्रश्न, करेंट अफेयर्स लगभग 31 प्रश्न, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता विज्ञान 24 प्रश्नों के साथ अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित कर रहा। आइए बिना समय गवाए कॉमटेरिया YouTube चैनल पर BPSC 67वीं के पेपर को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर सेट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यह सेट ए है। 4 से 5 सेट बनते हैं ABCD, तो मैं सेट ए को सॉल्व कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सेट ए 67वीं BPSC PT। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य ऐसा है कि दर्पण किस प्रकार का है। तो दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से अगर बड़ा लगता है, तो याद रखिए यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। सेट ए का दूसरा प्रश्न हम करते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरे का, कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न, सामान्य विज्ञान की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और एक बदलता परिदृश्य परिलक्षित होता है भारतीय और विश्व का भूगोल एवं राज व्यवस्था। ये टॉपिक के बड़े मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, इस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं 67वीं BPSC PT के प्रश्न पत्र से। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। क्योंकि प्रेशर कुकर में उच्च दाब के कारण पानी तापमान पर उबलने लगता है। निम्न तापमान पर पानी उबल जाता है क्योंकि इसका दाब उच्च होता है, तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए, निश्चित ही कमरे का तापमान रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलने के बाद बढ़ जाएगा। कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि फ्रिज से पानी ठंडा होता है, फ्रिज में बर्फ़ जमता है, तो फ्रिज को खोल देंगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। नहीं, फ्रिज को खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, और जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। इस क्रम में देखिए, जब बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब बीकर में तैर रहा है और पूरी बर्फ़ पिघल जाती है, तो पानी फर्श पर फैल जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ये भी सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर से नहीं नापते हैं। ये आंसर आपका गलत होगा, इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बीपीएससी 67th पीटी सेट ए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा कि ये तीनों ही एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि तो निर्वात में किसी प्रकार का वेग, कोई वजन, कोई भार मायने नहीं रखता, इसलिए कोई भी वजनी चीज़ हो या हल्की, निर्वात में जब फेंकेंगे तो वो एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए का। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? पानी के साबुन की फिल्म दिखाई दे रही है सुंदरता से, तो यह घटना कारण है प्रकाश के व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किस पर निर्भर करेगी? तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, ये सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न लेते हैं सेट ए, कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम और राख। देखिए सारे ही सीमेंट के घटक हैं, ये क्वेश्चन नंबर का आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज आर मोर देन वन। 13वां प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किस कंडीशन में? द्रव्यमान संख्या में। 14वां प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो ताप क्या कहलाता है? तो ऐसा ताप होता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, त्रिक बिंदु। क्वथनांक होगा नहीं, गलनांक होगा नहीं, हिमांक होगा नहीं, त्रिक बिंदु दिया है और ई दिया है, लेकिन त्रिक बिंदु पर ही ये सारे एक साथ रह सकती है, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो देखिए क्षारीय विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का मान 0 होता है। बड़ा ही सीधा प्रश्न है, लेकिन 24 प्रश्नों की अपनी महती भूमिका निगाता सामान्य विज्ञान अपने महत्व को प्रदर्शित करता है कि सामान्य विज्ञान पर और भूगोल पर और मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन पे आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है आगामी पुनर्परीक्षा के लिए। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव सही बात है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन इज इक्वल टू परमाणु संख्या। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यही आंसर इसका सही होगा। अब अगला हम प्रश्न लेते हैं, गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, एकदम सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। एक्रिलीन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, टेफ्लान का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्रिलीन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये गलत है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सेट ए बीपीएससी पीटी। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में मैं पढ़ता हूँ ऑप्शंस। इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है? नहीं है। इनकी कठोरता समान है? यह भी नहीं है सत्य। इनकी विद्युत चालकता समान है? यह भी सत्य नहीं है। ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं? एकदम सही है, ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से हीरा और ग्रेफाइट गुजर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप सही करेंगे। 21वां प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो पानी मिट्टी के जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है इस क्रिया को परासरण कहते हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? तो बैक्टीरिया की मदद से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर उपयोगी पदार्थों में बदला जाता रहा है। बड़ा ही सरल प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रश्न सही किया होगा। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ये तो आप जानते हैं। रात के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन देते हैं। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? काफ़ी प्रश्न हमने इस पर किए, काफ़ी कंपटीशन में हमने प्रश्न देखा बराबर। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, याद रखें आप। अगला प्रश्न लेते हैं, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में और क्या करने में मदद करता है? भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, किसी कार्य में नहीं। देखिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के अलावा या पौधे को एक समुचित आकार प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे को आकार देने में। क्वेश्चन नंबर 26 सेट ए, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि उसके भी संगत होना चाहिए, किसके संगत होना चाहिए? ऑप्शन में पढ़ता हूँ, आरएच कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश और नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन। इसका सही आंसर होगा, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि रक्त के आरएच फैक्टर, आरएच कारक को भी संगत होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है व्यक्ति के मस्तिष्क में, याद रखें। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, पीयूष ग्रंथि सदैव ही व्यक्ति के मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किरणें, तरंगे, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का किया जाता है, या सूक्ष्म तरंगों का किया जाता है, या पराध्वनि तरंगों का किया जाता है, या पराबैंगनी किरणों का किया जाता है, या एक से ज़्यादा तरंगों का, या इनमें से कोई तरंगों का नहीं किया जाता है? तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए हम पराध्वनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड, यही वेव्स होती है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होए। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, सबको स्वीकारता, सबसे दान ले लेता है, ए बी रक्त समूह, इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्वदाता रक्त समूह ओ, सबको देता है, ए बी सबसे ले लेता है, तो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी समूह। निमोनिया एक संक्रमण है, तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़े का, इनसे एक से ज़्यादा अंगों का, या इनमें से कोई नहीं? तो निमोनिया, जैसा कि आप जानते हैं, फेफड़ों का संक्रमण होता है, निमोनिया हो जाने से मृत्यु भी हो सकती है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य विज्ञान से, और बड़े ही अच्छे कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया बीपीएससी ने, बड़ा ही अच्छा पेपर बनाया साइंस के परिप्रेक्ष्य में। साइंस पर अगली बार आप ज़्यादा मेहनत करिएगा।
कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसने बनाया है? देखिए सीधा सा प्रश्न है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे कोविड के दिनों को आपने बड़े अच्छे से देखा है, काफ़ी टेलीविज़न देखे होंगे, काफ़ी सेमिनार्स देखे होंगे, काफ़ी वेबिनार्स आपने सुने होंगे। तो कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एकदम याद होते हैं क्वेश्चन और बराबर रिमाइंड होते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बड़ा सुंदर प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, BPSC सेट ए क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सन 2015 में, सन 2016 में, सन 2017 में, सन 2018 में, इनमें से ज़्यादा वर्षों में या इनमें से किसी वर्ष में नहीं? सीधा सा आंसर है, भारत में सन 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है सेट ए BPSC। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा ई। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है किसको? नई दिल्ली में एक IT पार्क के निर्माण को। अगला ऑप्शन, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों के निर्माण को, या नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक क्षेत्र के निर्माण को, या सभी राज्यों के लिए आवासों के निर्माण को, या इनमें से एक से ज़्यादा आवासों के निर्माण को, या इनमें से कोई नहीं को। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा गया। मुझे लगता है इसमें जो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए 2020 और 21 से आए हैं, जो BPSC PT का पहला एग्जाम डेट था दिसंबर का, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की, या कश्मीर और लद्दाख दोनों की, या इनमें से एक से ज़्यादा की, या इनमें से कोई नहीं की? जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधायिका नहीं है वो हैं कश्मीर और लद्दाख के, दोनों की अपनी कोई विधायिका नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? ऑप्शन है, सुरेश सिंह वांगजाम, संदेश झिंगन, अनिकेत जाधव, अरिंदम भट्टाचार्य, और इनमें से कोई नहीं है एक से ज़्यादा। इसका सही आंसर होगा संदेश झिंगन। 67वीं BPSC PT सेट ए क्वेश्चन नंबर 38। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? इसके लिए ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आपने तैयारी की होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के लिए स्वर्ण पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये बड़ा ही मशहूर प्रश्न है, इसके लिए किसी ऑप्शन की ज़रूरत आपको नहीं है। बने रहें, जमे रहें 67वीं BPSC PT सॉल्व पेपर क्वेश्चनरीज में। इसी प्रकार की सारी क्वेश्चनरीज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, और अब मैं आपको 67वीं BPSC PT के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पूरे खंडों को 3 खंड में कंप्लीट करूंगा। आज पहले खंड में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के सारे प्रश्न और उत्तर की श्रृंखलाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़े ही निडरता से पुनर्परीक्षा के लिए अपनी कमर की पेटी कस लें और देखते रहें कितना ही रोचक प्रश्न पत्र यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है।
जो छात्र बड़े ही कठिनाई से झोला बस्ता सतुआ लिट्टी लेकर निकले घर से और बड़े ही कठिनता से रूखा सूखा खाकर और बड़ी ही दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में अपने आप को इस तरह सशक्त किया, ऐसी कठिनाइयों को झेलते हुए छात्र एक छोटी सी परीक्षाओं के कैंसिल हो जाने के भय से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। कॉमटेरिया के जो भी विद्यार्थी हैं तो बड़े ही मजबूत हैं और कॉमटेरिया का संचालक स्वयं में ही अपने आप में काफ़ी मजबूत है। तो नित्य निरंतर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ कॉमटेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, सेट ए बीपीएससी 67वीं पीटी, क्वेश्चन नंबर 40। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने 19 पदक जीते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं 21 तो नहीं होगा, 22 तो नहीं होगा, 18 तो नहीं होगा। नहीं, श्योर रहे, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने 19 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 67वीं बीपीएससी पीटी सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 41। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? भारत ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। बड़ा ही रोचक प्रश्न आ रहा है, बड़े ध्यान से आप सुने उसको। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी, हालांकि किसी भी चैनल ने अपेक्षा नहीं की होगी कि यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछ लिया जाएगा। ऐसे प्रश्न यदा कदा इसलिए पूछे जाते हैं कि मेरिट थोड़ी सी कम आ जाए, और ऐसे प्रश्नों की बड़ी महती भूमिका होती है पेपर के स्तर की कठिनता को कायम रखने के लिए। इसलिए ऐसे प्रश्नों से विचलित ना हो, अगर ये प्रश्न ना आए तो उसको छोड़ दें। लेकिन इसका सही उत्तर है, इसमें देखिए ऑप्शंस है, जनरल फ्रैंक मैकेंजी, डेविड ब्रोनस्टॉर्म, मेजर जनरल क्रिस होनहू और रॉस विल्सन, नन ऑफ दीज। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 43, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो फ्रांस की उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन ने, कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी, जो कि फ्रांस की कंपनी थी। अब अगला प्रश्न लेते हैं, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, बड़ा ही दुखद दिन था, हमने अपने कई अफसरों को और कई महत्वपूर्ण जवानों को खोया था, बड़े दुख का क्षण था। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे निडर आर्मी और आईटीबीपी के जवानों को जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में, जबकि पूरा विश्व कोरोना के जद में था, चपेट में था, डर में भय के माहौल में भी चाइना ने हमारे समक्ष हमारे बॉर्डर पर इस तरह की हरकत की। लेकिन भारत के जाबाज अफसरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प जून 2020 में हुई। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर इजराइल में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू किया। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रशिया ने, रूस ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया। जो बाइडेन ने अपना पदभार ग्रहण किया है, जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 49 सेट ए बीपीएससी पीटी एग्जाम डेट 8 मई 2022। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि, इनको न्योता भेजा गया था बोरिस जॉनसन को, लेकिन अब देखिए आयोग क्या लेता है आंसर को, आयोग ने क्या आंसर देते हैं। लेकिन
लगभग ई ऑप्शन सही माना जा रहा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन न्योता तो गया था। अब आए नहीं आए, ऑनलाइन शामिल हुए, इस पर आयोग चर्चा करेगा। तो ज़्यादातर हम समझते हैं 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन ही मानना चाहिए, या ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं भी इसमें माना जा सकता है। आखिरी प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 50 सेट ए बीपीएससी पीटी, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऑप्शन ए तरुण बजाज, ऑप्शन बी टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी अजय सेठ, ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ बीपीएससी पीटी सेट ए एक तिहाई सेक्शन मैंने कवर किया, 50 प्रश्नों की श्रृंखलाएं मैंने कंप्लीट की, 150 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है इस पेपर में। अगले दो लेक्चर में और 50-50 प्रश्न कंप्लीट करके मैं इसको कंप्लीट करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से 50-50 प्रश्नों की ही श्रृंखलाएँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे एक उत्साह मिलता है लेक्चर देने का। देखिए, परीक्षाओं के कैंसिलेशन से अपने मजबूत इरादों को न डिगने दें, और ऐसी ही परिस्थितियों में अपने अंदर के विद्यार्थी को हमेशा सीखने दें। इसी उद्बोधन के साथ कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगामी 12 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 19 जून 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा और मध्य प्रदेश राज्य फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षाओं का प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ, जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं, बारिश के सीजन में 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा का भी आयोजन कर दिया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ लोक सेवा आयोग की हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेट जीके आपको अलग से पढ़ना है, सारे सिलेबस लगभग जनरल स्टडीज के सेम हैं। एक बात मेरी ध्यान रखें, जो भी समसामयिक तथ्यों पर आधारित जनरल स्टडीज के सेक्शंस और क्वेश्चंस निर्धारित हो रहे हैं, वही यूपी पीसीएस में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के जितने भी प्रश्न हैं, वो समसामयिक कंटेंट से जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जो भी भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित या एंशियंट आर्कियोलॉजी खुदाई उत्खनन से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं, वो सारे करंट इश्यूज से बन रहे हैं। इसलिए अपनी स्टडी को स्मार्ट कीजिए, जनरल साइंस फोकस कीजिए, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में बड़े ही महती भूमिका रखते हैं, और जितने भी सिद्धांत हैं भूगोल के और पर्यावरण के, इस पर भी ध्यान दें। उद्वचन, उद्बोधन और पुस्तकें जो आधारित होती हैं विषयों पर, उसके नाम भी यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज के साथ बीपीएससी पीटी 67वीं के और 2 अंकों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा कॉमटेरिया, छात्रों के लिए सदैव समर्पित कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल आपके नित्य निरंतर और आपके हित में समर्पित है। अगर आपको कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल पसंद आता हो, इसको भारी मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, जय माँ वाग देवी सरस्वती, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री राम।